हेलो फ्रेंड्स, सर कैसे आप लोग? तो आपका भी आप लोग के एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेके आ चुका। तो यार आज हम कर रहे हैं फिर से तो नहीं यार, रैंक मैच तो मैं बहुत कम दिखाता हूँ आजकल, लेकिन यार मैं सोचा चलो आज दिखा देते हैं, रैंक मैच दिखा देते हैं यार जिनको। तो यार आज हम खेल रहे हैं सैम भाई के साथ यार, हमें UMP और साथ में प्लाज्मा मिर्ची के, और सामने बंदा है तो इसको ख़त्म कर देंगे बड़ी बेहतरीन तरीके से, इसको पूरा मार देंगे। तो इसका कोई टीममेट आ रहा होगा तो उसके टीममेट को भी पूरा मारने की कोशिश करेंगे, और तो सामने उसका टीममेट दिख चुका और हेडशॉट मार के पूरी बात खत्म। और अपना टीममेट तो या नॉक हो गया था तो उसको रिवाइव दे दिया, और पीछे से एक और बंदा मेरे को दिख गया है तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पहले हील करेंगे यार, हील अपना DJ अलग तो स्टार्ट हो चुका है और लड़के वाला करेक्टर अपना मस्त यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा हील करते हैं और सीधा फाइट की तरफ ले जाते हैं। तो अपना यहाँ बंदा नॉक हो जाता है और उसको पूरा मार देता है, तो बदला लेने तो बनता है, तो मैं चला जाता हूँ बदला लेने के लिए, और सामने बंदा और उसको आराम से ईजिली इसको मार देंगे। तो उसका टीममेट आएगा तो उस टीममेट की मतलब राह देख रहे हैं, और वो आए और भाई सब कितना सा डैमेज दे रहा, भाई कितनी कम हेल्थ रहेगी, 17 हेल्थ रहेगी, भाई क्या ही खतरनाक वाला मैच दिखाया। तो उसके बाद मैं थोड़ा बे फ्रेंड की तरफ चला जाता हूं, मेरे को नाम याद नहीं है ठीक से कलहारी के बिल्कुल भी, एक आता याद है मैं कमांड पोस्ट रिफाइनरी, और दो चार नाम और याद है बस, और उससे ज़्यादा मेरे को नाम याद नहीं है। यहाँ पे तो फिलहाल तो मेरे को कोई बंदा दिखा नहीं है, तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ। यार पहले बता दूँ इसमें है ना कोई मैंने इतना अच्छा खास गेम नहीं है, इसके अंदर कोई मैंने गांड शॉट कुछ नहीं मारा है। तो यार सामने से मेरे को काफ़ी अच्छा डैमेज पड़ा, मैंने लैंडमाइंस बिछा दी पूरी मस्त तरीके से, और उसके साथ एक बंदा नॉक हो चुका। ये टेक्निक बहुत प्यारी वाली टेक्निक है कसम से यार, बहुत प्यारी टेक्निक है। और इसके जो टीममेट होते हैं ना, ये बंदों ने टीम अप कर रखा होता है जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि देखने तो तीन एक साथ है और हम खेल रहे हैं डुओ वर्सेस डुओ खेल रहे हम, और इसमें स्क्वाड वाली बातचीत होगी। भाई बड़े खतरनाक मैच है भाई, खतरनाक तो नहीं चल रहा है, मेरे को लगता है कि ऊपर कोई बंदा है लेकिन असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो पहले पूरा चेक कर लेते कि कंफर्म करके कि पूरा बंदा है कि नहीं, तो मैं इधर से उधर भाग रहा था, अगर कोई वो मूवमेंट देता है तो अगर पता चल जाएगा ना कि बंदा है कि नहीं, तो आराम से मैं बैठ के देख के जा रहा हूँ कि फ़िलहाल तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई है नहीं। फिर भी भाई बंदे हैं ना बहुत, जो कैंपर्स होते हैं वो एक नंबर के क्या बोले वो होते हैं, एक नंबर के ही होते हैं, और बताना क्या होते हैं वो एक नंबर के, मेरे को पता है भाई, तुम सब समझ जाते हो मेरी बातें। तो यार यहाँ 84 का बहुत तगड़ा वाला हेड लग चुका है, और 8 मौके मैंने कम से कम 10-12 हिट मारे, तो यार सिर्फ 3-4 गोली का रह गया होगा और उससे वो बच गया होगा। तो सामने यार गोलियाँ बहुत तेज़ी से चल रही है, तो हम भी थोड़ी गोलियाँ चला ही देते हैं, जैसे ही मेरे को कोई बंदा दिखेगा गोलियाँ चला देंगे, पूरी बारिश कर देंगे, ड्रैग व्रैग मारेंगे, और 6 और 7 का डैमेज आ रहा भाई, इसलिए यार मैं ना एक्समेट चलाता नहीं हूँ। लेकिन वही बात अगर ड्रैग की बात करें ना, तो ड्रैग सबसे प्यारे ड्रैग भाई एक्समेट से लगते हैं, मारने वाले के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यार सामने अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि सामने कोई बंदा अगर दिखता है तो उसको मारने की पूरी कोशिश करेंगे अपन लोग। तो यार मेरे को लग रहा है सामने एक बंदा आ चुका है, उसको ड्रैग मैंने कुछ, और भाई एक भी गोली नहीं लगी, लेकिन उसका टीममेट मेरे को ऐसा लग रहा है कोई बार बार खड़ा है, तो टीममेट उसका आके ओपन स्कोप किया, और भाई साहब क्या ही खतरनाक वाला ड्रैग लगा, और इसको पूरा मारते हैं, और उसके टीममेट की राह हम देख रहे होते हैं लेकिन वो आता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अपना जोन में निकलते हैं और जोन में अपना फाइट लेंगे मस्त वाला। तो यही सोचते हम निकल जाते हैं अपने कमांड पोस्ट की तरफ, क्योंकि जोन इस बार भी वहीं बना है। तो इस घर में मैं आ चुका हूँ, जो मेरे सामने वाले घर में है, सामने वाले घर के रास्ते जो सामने वाला टावर है उसके अंदर बंदे हैं 2, और जिनमें से मैं एक को भी मार पाऊंगा कि नहीं कुछ मालूम नहीं है, देखते मार पाते कि नहीं। सॉरी यार, तो यार ये बंदे गिर क्यों नहीं रहे भाई, जल्दी उतरो, क्योंकि जोन भी वहाँ से आ रहा है, तो यार एडवांटेज मेरे को ये अगर वो वहाँ से आते हैं ठीक है। तो हेड मारने की कोशिश कर रहे हैं, और भाई साहब हेड पूरा नीचे ले ले, एम तो आ गया था हेड के ऊपर लेकिन मैंने गोलियाँ नहीं चलाई पता नहीं क्यों, अब भाई नहीं चले। सामने बंदा आ चुका, और यार ये दीवार की वजह से मैं एक भी गोली नहीं चला पाया यार, अगर दीवार नहीं होती ना कसम से मैं इसको टपका देता मैं यार, सिर्फ उसको मतलब जैसे वो कूदा था ना मैं उतने में ही टपका देता, इतना तो पता है मेरे को अपने गेम प्ले के बारे में। और यहाँ मेरा देखो 99+ चल रहा है, तो यार अपना नेटवर्क ठीक करते हैं यार, मैं ये सुबह का गेम प्ले है, उस टाइम मेरे पापा रहते हैं तो मैं उनका हॉटस्पॉट यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि पूरे दिन मेरे को चलाना होता है और यूट्यूब पे वीडियोस भी अपलोड करनी पड़ती है, तो एक GB में आदमी क्या क्या करेगा यार। तो यार अपना कूद के मस्त मैं वापस इधर आ गया ठीक है। तो अभी नीचे चलते हैं और बंदे मारते हैं, अपने अच्छे खासे किलो रखे हैं अभी फिलहाल तो, और 2-3 बंदे मार देंगे तो यूट्यूब में डालने लायक तो हो जाएगी यार। यार कुछ यार अच्छा खासा सपोर्ट नहीं दिख रहा है यार यूट्यूब पे, यार क्या कर रहे हो यार, तुमने शेयर कर दिया करो यार वीडियो को, शेयर क्यों नहीं करते यार, तो यार थोड़ा शेयर किया करो। और मैंने अपने यूट्यूब पे जाके देखा तो मैंने देखा सिर्फ 87 शेयर की है, सिर्फ 87, जब से मैं यूट्यूब चला रहा हूँ 9-10 महीने से सिर्फ 87 शेयर किए हैं,
ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं यार, इतना चलता है, तुम लोग यार मत क्या करो, कोई बात नहीं। वैसे यार जो बीट अच्छी लगती है उसको तो कर दिया करो यार, बाकी ना करो कोई बात नहीं। हमने किसी एक बंदे की किल तो नहीं चलाई क्योंकि उसको बहुत सारा डैमेज दिया था, लेकिन एक बंदे ने नॉक कर दिया था। सामने बंदा उसको हेड मारने की कोशिश की लेकिन हेड बिल्कुल भी लगा नहीं है। तो अपना जोन में चलते हैं, ग्लू वॉल अपने पास 11 है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ भाई बहुत खतरनाक वाला डैमेज मेरे को दे दिया, ग्लू वॉल फोड़ी जा रही है तो ग्लू वॉल लगा लेते हैं। तो सामने वाले को इतना चकास डैमेज मार दिया भाई, कसम से भाई क्या ही खतरनाक वाला मैच है। और जो अपने सैम भाई है ना, ये भी बहुत बढ़िया खेलते, लेकिन शुरुआत में मर गए तो यार इनका गेम प्ले आप देख नहीं पाए, वरना खेलते थे एक नंबर ये भी। और साइड में भी देखो एक बंदा है, इसको मारने की कोशिश करते, और भाई सब हेड से पूरा बिल्कुल मस्त हेड लग गया। तो सामने सिर्फ एक आधा बंदा बचा, उसको मारते हैं और पूरा मैच ख़त्म करते हैं, अपने खाते में लिखवा देते हैं इस मैच को। सिर्फ भाई आखिरी बंदा बचा, जो तीसरा बंदा था वो एलिमिनेट हो चुका है बड़े ही प्यार से जोन से। तो यार सिर्फ आखिरी बंदा बचा है, तो इसको जाके पूरा ग्लू वॉल फोड़ वाड़ के इसको पूरा मस्त करते हैं। 11 ग्लू वॉल थी, अब सिर्फ 5 बची। सिर्फ तो नहीं है, 5 बहुत होती है एक मैच को जीतने के लिए, एक बंदे से 1v1 करने के लिए। लेकिन अगर अच्छा बंदा हो तो भाई साहब 11 भी कम पड़ जाती है। तो यार सामने वाले का 24 का डैमेज दे दिया, ग्लू वॉल मस्त फोड़ रहा हूँ मैं, और ही रील के ग्लू वॉल फोड़ रहा हूँ ताकि भाई साहब वो मेरे को हेड ना मार सके, ड्रैग ना मार सके। तो सामने से उसको बहुत तगड़ा वाला मैंने उसको डैमेज दे दिया था हेडशॉट से, एक्समेट से। तो देखते हैं इसको मैं पूरा मार पाता हूँ कि नहीं। तो भाई वो बड़ी मस्त वाली टेक्निक अपना रहा है ग्रेनेड फेंक के सामने आ चुका, और सामने बंदा उसको हेड मारने कोशिश, लेकिन हेड 77 के लगा और बाकी वो हेड नहीं लग पाया। लेकिन कोई बात नहीं यार, वीडियो के साथ ख़त्म करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।